सच्चाई को सबके सामने लाना कोई आसान काम नहीं है, और जो हमेशा साहस से सच का साथ देता है उसके मार्ग में कई मुसीबतें आती ही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक पत्रकार की, जिसने जब सच्चाई पर रोशनी डालने की कोशिश की तो उसे न सिर्फ जान से मारने की धमकी दे दी गई बल्कि उसके खिलाफ झूठा प्रकरण भी दर्ज किया गया। यह मामला है तराना के कायथा थाने का, जहां यूनाइटेड प्रेस क्लब तराना ने व्यापारी एसोसिएशन कायथा पर पत्रकार नूतन गिरी गोस्वामी की झूठी शिकायत करने और उन्हें धमकी देने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही साथ झूठी शिकायत करने वालों पर प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। इस आवेदन में पत्रकार गिरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा बाजार खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। कायथा में बाजार में कुछ व्यापारियों की दुकानें खुली हुई थी, जिसका मैं कवरेज कर रहा था, जिस पर व्यापारियों ने खबर ना बनाने को कहा, साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे ही विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया। बता दें अभी सरकार द्वारा क्षेत्र में सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने एवं रविवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, और पत्रकार गिरी के अनुसार 5 जुलाई 2020 रविवार को कायथा में बाजार में कुछ व्यापारियों की दुकानें खुली हुई थी, जिसका वे कवरेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध एसडीएम के नाम से हफ्ता वसूली करने की झूठी शिकायत की गई है, जिससे इनके सम्मान को ठेस पहुंचा है। यह खबर समाचार पत्र अग्निपथ में प्रकाशित भी हुआ है, जिसके कायथा प्रतिनिधि दिनेश शर्मा द्वारा उक्त जिला प्रतिनिधि को भ्रामक जानकारी देकर उज्जैन से समाचार प्रकाशित करवाया एवं दिनेश शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की गई है जिससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जो यूनाइटेड प्रेस के दर्जे का आवेदन प्राप्त हुआ है, मैं थाना प्रभारी कायथा को निर्देशित करूंगा कि वो जो जिसने व्यापारी समुदाय जो भी आवेदन दिया गया है तो उसकी निष्पक्षता से जांच करें, और अगर व्यापारियों के द्वारा भी कोई गलती की गई है तो उस पर भी कार्रवाई करें, और दोनों पक्षों को बगैर सुने कोई भी कायम न करें, बगैर दोनों पक्षों को जाने बगैर कोई कार्रवाई न करें। ये हम उसको निर्देश, ये अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, अगर उसकी कोई दी जाए तो आपको इसमें उनके लिए मनानी का दावा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, क्योंकि मनानी का जो प्रकरण होता है वो आपको शर्म लगाना होता है, और अगर ऐसे में अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो दोबारा भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं करेगा। जब भी ऐसा हो तो आपको पीछे भी हटना चाहिए और अपने अधिकार के लिए ऐसे लोगों को नोटिस देना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है तो उसको क्योंकि हम भी निष्पक्ष रूप से जाँच कराना है, दोनों पक्षों की जांच कराएंगे, उनके और बगैर जांच के इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं थाना प्रभारी को निर्देशित करेंगे, और मानहानि का जहाँ तक जो पेपर न्यूज़ है जो भी है, अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई करना तो ये आपका अपना है विवेक है कि अगर आप करना चाहें तो आपको करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर जब तक आप नोटिस देंगे या कोई लीगल रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी आपस की रमनस्ता के रूप में लोग इस तरह करते रहेंगे, तो इसके लिए तो आपको स्वयं ही कदम उठाना पड़ेगा कि आपका संगठन मजबूत संगठन है, तो इसको अपने ताकत भी आपको दिखाना। मामले में ज्ञापन देते समय यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष नूतन गिरी, तराना तहसील अध्यक्ष अर्पित बड़ाना, उपाध्यक्ष मनीष राठौर, कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल आदि उपस्थित थे। तराना से अर्पित बड़ाना की रिपोर्ट।